अंत भला तो सब भला। सियासत के दो नौजवानों की दोस्ती यूपी में टूटते टूटते आखिरकार जुड़ गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा केस में अहम भूमिका बताई जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रियंका वाड्रा ने बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की, इसके बाद ही सीटों को लेकर चल रही खींचतान खत्म हुई। कांग्रेस को 17 सीटें देने की रजामंदी के साथ ही दोनों दलों के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला हो गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव का अब राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना तय माना जा रहा है। यात्रा 24 फरवरी को मुरादाबाद से शुरू होकर 25 फरवरी को फतेहपुर सीकरी होते हुए राजस्थान जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यात्रा जब आगरा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल, आज उनको इनवाइट करने जा रहे हैं 25 तारीख के लिए और वो आगरा में हम लोगों को इनविटेशन दे। सर कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा जाएगी? अब ये मुरादाबाद से शुरू हो रही है और आगरा में 25 तारीख को समापन करेंगे, उसके बाद ये राजस्थान जाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन दिया है एनडीए को। इससे पहले बुधवार को अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित एक सवाल पर कहा था, अंत भला तो सब भला। क्या समझे, क्या माना जाए? आप समझदार हो। अंत भला तो सब भला। क्या समझे, क्या माना जाए? आप समझदार हो। अलायंस के ऐलान होने के बाद भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा था, सौहार्दपूर्ण गठबंधन की सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, लोहिया जी के संख्यानुपातिक हिस्सेदारी के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए, समाजवादी मूल्यों को सक्रिय करके बराबरी लाने के लिए, 90% पीडीओ को उनका हक दिलवाने के लिए और देश की तरक्की के लिए एक हो जाए। जाहिर है यूपी की सियासत के लिए इंडिया गठबंधन के लिहाज से एक बड़ा कदम है। हालांकि इसके नतीजे क्या होंगे, अखिलेश और राहुल का साथ आना कितना फायदेमंद रहेगा या घाटे का सौदा, ये 2024 के नतीजों के बाद ही पता चलेगा।